फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट की तरह दिखने वाला एकदम यमी और डिलीशियस कढ़ाई पनीर। हेलो फ्रेंड्स, फूडी रेमेडी इन्फो के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे। रेस्टोरेंट जैसा यमी और डिलीशियस कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक, और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपने इस पनीर को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, इसमें हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, 5 से 6 रफली चॉप की हुई गार्लिक, 2 से 3 छोटे अदरक के टुकड़े, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज। इन सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च रफली चॉप की हुई, 5 से 6 काजू, और फिर हम अपने प्याज को यहाँ तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का पिंक ना हो जाए। हल्का पिंक होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप टमाटर, और फिर अब अपने इस तड़के को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा टमाटर हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने इस तड़के को ठंडा करके इसका मिक्सर ग्राइंडर में एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसको हम अच्छे से इसमें स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये मैरिनेट किए हुए पनीर के टुकड़े। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इसे बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का सा ही सैलो फ्राई करना है, और 1 मिनट के बाद अब हम इसे अलग प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ मैंने एक प्याज को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और एक कैप्सिकम को भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसे भी हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब यहाँ हमारा प्याज और कैप्सिकम भून चुके हैं, इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ अपने तैयार किए हुए पेस्ट को एक छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे। इसको छानने से क्या होगा कि हमारे मसालों में मौजूद जो छिलके हैं इनके, ये बाहर निकल आएंगे, जिससे हमें एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्मूथ ग्रेवी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ सारे छिलकों को, मसाले के छिलकों को आप देख सकते हैं ये छन्नी में किस तरीके से ऊपर दिख रही है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और अपने गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 3/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। और अब अपने इन मसालों को हम लो फ्लेम पर ही 10 से 15 सेकंड तक भूनेंगे। 10 से 15 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना तैयार किया हुआ पेस्ट, और पेस्ट को ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, और फिर हम इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और अब इस तरीके से हम रेस्टोरेंट जैसा यम्मी डिलीशियस कढ़ाई पनीर तैयार करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही यम्मी लगता है। इस तरीके से आप कढ़ाई पनीर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।